मंगलम भगवान। अरे शो के बारे में बताना है। हाँ तो थोड़ा मैं खुद मैंने चाहती कि ये एडिट हो लाइव जाएगी कि मैं मांग भर के। नमस्कार, मैं हूँ भारती सिंह और आज हमारे साथ है उभरते हुए नए यंग प्रोड्यूसर। तो हर्ष, मैं कहना चाहूँगी कि जूम टीवी की तरफ से मैं भारती सिंह, मैं आपको कहना चाहूँगी कि कैसा लग रहा है आपको ये शो बना के? जी बहुत अच्छा लग रहा है भारती जी कि अपना शो आ रहा है और बहुत मज़ा आता है। बट एक दो एक्टर्स हैं शो में जिनके साथ इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, इतना जानता नहीं हूँ, जैसे कि भारती सिंह एक आप जानती होंगी जिनको, उनके साथ मुझे मज़ा नहीं आता। लेकिन ठीक है, शो है, करना पड़ता है काम। मैं भी एक्चुअली आपका इंटरव्यू लेना नहीं चाहती थी, जूम टीवी ने मुझे कहा कि आप प्लीज़ ले लीजिए, वरना मैं माइक क्या आपके सामने मैं कभी रोटी ना रखूं। तो रोटी मत रखिए ना, हम कौन सा आपके साथ बात करना चाहते हैं। देखिए, काफ़ी बदतमीज किस्म के प्रोड्यूसर हैं जो उभरते हुए सितारे बने हुए हैं। अब बस कहेंगे नहीं, अब बस दिखाएंगे क्या रिजल्ट। नहीं, और ये मैंने खाया है दाल चावल, इसीलिए फूला है। ऐसे ना कहती भारती को लगा 6वां महीना, फिर भी भारती कर रही थी डट के हर्ष का सामना। एक चीज की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप सबको पता बहुत आखिर में चलेगा, क्योंकि पेट भगवान की दया से ऐसा है कि पता चलना बड़ा मुश्किल है। मेरा 6-7 मंथ तक पता ही नहीं चलेगा। हाँ। मैं सीधा इसे लेके जब हॉस्पिटल से निकलूंगी ना, आया ये कब हुआ, तो मैं कहूंगी था आपको नहीं पता चला। मेरे लिए बड़ा प्लस पॉइंट है कि अब मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जब लिखने वाला राइटर ही साथ में परफॉर्म करे तो आधा तो चीज़ें हर्ष संभाल लेगा और बड़े अच्छे तरीके से संभालता है और बहुत स्पेस देता है। जैसे मैं अगर कुछ बात बोल रही हूँ, कॉमेडी वाली बात हो रही है, तो एकदम चुप हो जाता है, लेकिन जब हर्ष कोई सीरियस बात कर रहा होता है किसी कंटेस्टेंट के बारे में या उसकी जर्नी के बारे में, लाइफ के बारे में, तो फिर मैं चुप हो जाती हूँ। मतलब एक दूसरे को हम स्पेस देते हैं और कभी भी ऐसा ईगो प्रॉब्लम नहीं होगी, यार तूने मेरे को बोलने नहीं दिया, ये लाइन हो गई ऐसे, है ना। कभी नहीं, कभी नहीं। वो तो जहन में अभी इसने बोला तब मुझे आया कि हाँ यार, ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ कि हमने कभी भी लाइन के लिए नहीं, कभी भी लाइन के लिए कभी झगड़े हैं, यार तूने ये लाइन बोल दी, कभी नहीं, टचवुड। बिकॉज अक्सर यही कहते रहते हैं कि तू बोल दे ना। हम अक्सर एक साथ ही काम करते हैं, जब से मैंने शुरुआत की है हर्ष हमेशा मेरे लिए लिखा है, तो हर्ष हमेशा बैक स्टेज होता था, लेकिन अभी फ्रंट स्टेज आ गया है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है कि और मैं मजबूत हो गई हूँ, तो बड़ा मजा आता है। पति पत्नी एक दूसरे की बात का हम कोई गुस्सा भी नहीं करते, वरना कोई को एंकर होता है कोई छोटी सी बात पे नाराज हो जाते हैं, बट इनको जो मर्जी कहो, घर की खेती है, मैं भी घर का खेत हूँ, तो ये भी कुछ भी कहते रहते हैं, ज़्यादा ना बोला कर। मुझे लगता है कि हमको डांस के आधे वोट तो मिलते हैं, लेकिन आधे कॉमेडी के भी मिलते हैं, क्योंकि लोग ना हंसना भी चाहते हैं। और ऐसा तो नहीं कि मैं डांस में कॉमेडी करी जाऊँ, क्योंकि मुझे भी सब फ्लेवर दिखाने हैं, लेकिन उसके अलावा जो हम बैठ के मूवमेंट्स करते हैं, हंसते हैं, एक दूसरे की खिंचाई होती, उसमें भी उनको बहुत मज़ा आता होगा। और जब राइटर बंदा साथ में बैठा हो, कलम साथ में बैठी है, तो पेपर क्यों ना भरे, तो कलम बोलती रहती है ये बोल दे वो बोल दे, तो मैं बोलती रहती हूँ और मैं फेमस होती रहती हूँ। बहुत ज़्यादा बचपना है इनमें, और अपने तो हम कर नहीं पाए अभी, क्योंकि बिजी थे कतरा कतरा में ये वो, तो अभी अगले चिल्ड्रन डे तक हम अपने चिल्ड्रन बनाएंगे, चिल्ड्रन्स बनाएंगे जी, तभी तक आ जाएंगे होपफुली। नहीं नहीं भाई, हमारा पूरा बचपन बाकी है, आज भी हम कुल्फियाँ खाते हैं, आज भी कभी कभी लॉलीपॉप मिल जाता है तो हम चूस लेते हैं, है ना, ऐसे ऐसे करके। मतलब बचपना नहीं गया वो, कभी कभी हम इतनी चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं कि बचपन भूल जाते हैं, लेकिन मैं और हर्ष तो जब घूमने जाते हैं, मस्ती करते हैं, तो हम वो सारा बचपना हमारा वापस होता है, ये हम एक दूसरे को गुदगुदियाँ भी करते हैं।